अब जी आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो इसी सीरीज में, तो मैंने $2000 खर्च करके एक सेकंड हैंड बोट खरीदी थी कि जब परिवार यहाँ आएगा तो लेक में स्वाद लेंगे, एंजॉय करेंगे। परिवार पहुँच गए, माता जी आई, सुबह सुबह का टाइम है तो बोट तो गई, वो तो ख़राब होकर गैराज चली गई है, वो भी मैंने वीडियो डाली थी आपने देखी हो। तो अब ऑल्टरनेट ये है कि एक वो जो पार्टी आइलैंड टाइप नीचे दिख रहा है जिसको हम प्यार से नीला फ्लोटी भी बोलते हैं, वही है फिलहाल का सहारा। तो इसके सहारे आज काम चलाते हैं ताकि लेक में जाके थोड़ा फैमिली के साथ एंजॉय कर सके ना, क्योंकि कनाडा में जब लॉकडाउन चल रहा है और तो कुछ कर नहीं सकते। अब समर का बेस्ट यूज़ करने के लिए एक बोट ली थी, वो गई, तो अब यही है जो वटिया सो खटिया। कितने लोग बैठ सकते हैं इसमें? अपने सारे आ जाएंगे, चिंता ना करो। नहीं आप लाइफ जैकेट पहनने की करो। बाकी माता वो आम ले आए, चक्कू ले आए, थोड़ा माहौल बनाए देहरादून वाला, सहस्त्रधारा वाला। ये देसी पापा की है, बचपन से आदत थी, हम जाते थे सहस्त्रधारा देहरादून, और रास्ते में आते हुए ना आम के पेड़ों के खेत आते थे तो वहाँ पे मिलते थे आम, वो लेके जाते थे और पानी में ठंडे करके वहाँ खाते थे। तो इसने वही शौक पूरा करना है, कल स्पेशल आम मंगवाए हैं और मम्मी को बोला है कि आम और चाकू लेके आ जा बेटा, मगर एक चीज़ का बचाव रखना, जो धुरी उसमें लग गई ना छुरी और तुम हुए बीच में तो सबको छलांग मार के आना पड़ेगा, हवा निकल गई तो। वो टेंशन नहीं है, वो तेरे को नहीं है ना, मम्मी की तो है। माता वो लाइफ जैकेट पहन गया है। ठीक है ठीक है, तुम्हारी लाइफ जैकेट रखी है ना उसके अंदर? एक ही है यहाँ पर। एक ही है, चल मैं लाइफ जैकेट दे रहा हूँ, बाकी फिर आप एक चक्कर लगाओ, मैं बढ़िया से ड्रोन शॉट्स लेता हूँ, उसके बाद आल ज्वाइन यू। ओके तो जी सपना तो ये था कि ऐसे बोट में पूरा परिवार एक साथ एंजॉय करेगा, बट जब बोट खराब हो के गैराज छोड़नी पड़ी तो हमने सोचा कि अब पानी की फील लेने का एक ही तरीका, नीला फ्लोटी। माता जी तो पूरा अपना जो है आम की थैली, चाकू, चश्मे, स्विमिंग कॉस्ट्यूम, लाइफ जैकेट, हर चीज पहन के टोटल सेट होके जा रही है एकदम। और पानी कितना साफ था वो आप 40 फुट की ऊंचाई से भी देख सकते हैं। उनकी मस्ती चल रही है, मैं थोड़ा सा यहाँ से ड्रोन शॉट ले रहा हूँ क्योंकि पानी में ड्रोन ले जाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, इसीलिए मैंने कहा जरा यहाँ से थोड़े से सुंदर सुंदर शॉट ले लिए जाएं कि जो बन रहे हैं फैमिली के वो फिर आपको ताकि अच्छे से दिखा सके। और हवा भरे गुब्बारे में लाइफ जैकेट के बिना तो कभी नहीं जाना चाहिए। हवा बहुत तेज चल रही है, ये भी फड़फड़ा था तो इसलिए मैंने वापस बुला लिया। और मैंने जी इनको बस बोल दिया कि बोट आप डॉग पे लगा लो ड्रोन शॉट्स लेने के बाद, अब बस मैं जा रहा हूँ और थोड़ा सा हम भी बैठ के फैमिली के साथ एंजॉय कर लें क्योंकि आज भाई ने वापसी निकल जाना है, तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़े ब्लॉग बन जाएंगे अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया, आप लोगों को भी थोड़ा सा एंजॉय करा देते हैं हमारी फैमिली के साथ। बाकी ये जगह एज आई टोल्ड यू बिफोर, यहाँ से उस पेड़ के बाहर पड़ोसी की है, उसका सामान पड़ा हुआ है। यहाँ पे ना मकड़ियाँ होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, डॉग के आसपास थोड़ा बच के रहना है, थोड़ी नेड़े ने वहाँ था वी फुट आ गया। हाँ है, छाल मार के आ जा, एक पैर नीचे गया तो हो गया काम। अब मुंह जो काट दे आम ने उन्हें, हाँ जी साले साहब फिर आपकी क्या फीडबैक है, जगह की आपने तो फीडबैक ही कोई नहीं। साले साहब कम बोल रहे हैं, अभी शर्मा रहे हैं, थोड़ा बूस्टअप करो ना, पर जाएगी बूस्टअप तो वो रात को होते हैं ना। अच्छा बूस्टअप रात को होंगे, वो कौन सी शॉट्स आई थी मोलसन की, निखिल की आंखों में चमक आ गई थी मोलसन शॉट्स देख के,
कैनेडियन बियर। और क्योंकि मम्मी को फाइनली मेरे पास छोड़ के भाई ने मंडे से वापस जाना था, तो इसलिए फाइनली मौसम बेटर होने पे हम लोगों ने एक लॉन्ग अवेटेड फैमिली चिल भी कर लिया। माता जी कितना मजा आ रहा है, ये लोग मेहनत कर रहे हैं, अपन बैठ के फर्स्ट क्लास के पी आएंगे हैं, डालो हवस में डुबो के खाओ, ज्यादा मजा आता है। अब आप मेरे साथ हो कस्टडी में मेरी कम से कम डूढ़ एक महीने, ठीक है? जब मेरा मन करेगा मैं चली जाऊंगी, मिलाऊंगी हफ्ते बाद और वापस नहीं आऊंगी हफ्ते बाद। तुझे क्या लगता है कितने टाइम टिकेगी मम्मी? दो हफ्ते टिक जाएगी? रो दोगे हफ्ते में फील करना शुरू करेंगे। ठीक है भाभी जी, आपका क्या विचार है कितने टाइम टिकेंगी मम्मी? हफ्ता भी नहीं, एक हफ्ता भी नहीं। तशिका जी हफ्ता डेढ़। अच्छा मैं साल भर तैयारी हो गई अभी फिर सबके जाने की, मिस्टर ब्रदर जी आ रहे हैं और इस बार माता जी छट के चले हैं। हाँ जी ठीक है फिर या। वैसे अपने को काम है एक वीडियो और बनानी है ऑटो में तो हो। तो हम आएंगे एक दिन के लिए थर्सडे। हाँ थर्सडे आएंगे। अच्छा। क्योंकि वो टिंडर वाली एक वीडियो और बनानी है, वो जिन मैडम्स ने इनकी प्रोफाइल वगैरह करना चले गए, शर्मा गए। और क्या कहते हैं मम्मी को लेकर बताइए, मम्मी को लेकर बताइए क्यों वापस नहीं जाएगी। चल फिर हम सेम नाइट ही करेंगे। बाय बाय बच्चा। नहीं मन लगा तो आ जाना। हाँ नहीं लगा तो आ जाऊंगी और क्या। नहीं कोई नहीं आना, मन लगाएंगे आपका। जल्दी मत आना, आराम से। अच्छा इसको अच्छे तंग करके ज्यादा कह रहा है जल्दी मत आना। मेरे को याद है पिछली बार जब आप इंडिया गए थे तो एयरपोर्ट छोड़ने आए थे, कुछ रह गया था आपका, कोई मतलब नहीं क्या रह गया था, देने आया था एयरपोर्ट, पूरा मुंह इसका उतरा सिकुड़ा इतना सा हो गया था। मम्मी ने खिलाने किसने? भाभी तो खिलाने नहीं है। चल जा मेरे सोना। बाय Nice meeting you. Bye bye. See you soon. See you. Bye. Bye bye. Bye bye. भाई को सामान रहेगा तो ले आएगा। गोरी गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। चलो मम्मी आ जाओ, फाइनली आपके बच्चे चले गए हैं, अब आप हमारे कब्जे में हैं एंड अंदर जाती सफाइयों पे नहीं लग जाना। नहीं वो तो हाँ सानू सा नहीं लेने देती, मतलब मम्मी का तरीका ये है कि जरा सा कुछ गंदा होगा ना करना शुरू कर देगी, चिक 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 घिसना उसको ये दिखाने के लिए, लेकिन देखो तुम नहीं कर रही हो तो मैं कर रही हूं। हां तो होना एग्जांपल देना चाहिए ना, करके एग्जांपल वाली बात बहुत अच्छी है, मगर ये थोड़ी जैसे ही कुछ गंदा हो इमीडिएटली उसी टाइम कर दो। वो बंदा काम कर रहा होता है कहता है चलो रात को सोने से पहले बर्तन कर दूंगा, मगर ये रोटी खाई अपना उसके बाद चिक 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 शुरू और साथ साथ सफाई करो। अच्छा क्यों गंदा इकट्ठा करो? चलो ठीक है। क्या बात है माता जी, आप तो बड़ी वेलकम न्यूज लेके आए हो हमारे लिए। चीलों के लिए लेके आई तेरी। तो जी माता जी के आने का जो पहला संपूर्ण लाभ उठाने की तरफ कदम है वो हम रख चुके हैं आलू के परौठे के रूप में, इसलिए अभी फर्स्ट क्लास आलू उबल चुके हैं। उबल गए बस अब इनको छीला जाएगा, अब आटा गूंदने की तैयारी कर रही हूं। ओहो कितने दिनों बाद सानू आराम मिला, वरना इस टाइम हम शुरू हो जाते हैं। ये वो काम है जो हम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि रात को भी पराठे के लिए इतनी मेहनत सिर्फ माँ ही कर सकती है। सनी हुआ भी ना, अब देखना रोटियां नहीं बनेंगी। हाँ सही बात है। इसलिए क्षणों के घर में चावल तो बन सकते हैं पर रोटी मुश्किल है।
और वैसे भी 4 महीनों से मैं और 1 साल से निखिल ये नज़ारे तो भूले बैठे थे। केचप के साथ परौठे बहुत स्वाद होते हैं। आयशा वाइश एंजॉय आ रहा है फुल। और अब मुझे पता है कि बहुत से लोग ट्रैवल व्लॉग्स भी मिस कर रहे होंगे, बट मॉम को और खुद को कोविड के टाइम पर सेफ रखते हुए अपने यूट्यूब का सारा रेवेन्यू लगा के मैं कुछ ऐसा बंदोबस्त करने के चक्कर में हूँ। भाई साहब चीज तो बड़ी जबरदस्त है और बहुत बड़ी है, मेरे को तो इसको देख के घबराहट हो रही है, इसके साइज को चलाएंगे कैसे? बाकी पता करते हैं, अंदर से रिकॉर्ड करते हैं, फिर बात करते हैं अंकल से, अगर परमिशन अंकल की मिलती है, नहीं तो फिर सिर्फ मूड। पर वो सब आगे की वीडियो में। जिनके टाइमली अपडेट्स और मेरे चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा।